फ्रेंड्स वेलकम इन माय चैनल नेक्स्ट वीडियोज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी से, और इसके अलावा साथ में इस चैनल पर आपको आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आगे चल के। और आप लोग की जो रिक्वेस्टेज बीच में आती हैं उसको हम चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद ही बीच में नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक, उसके लिए वेट करिए। हाँ, रिक्वेस्ट आप भेजते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स उसे आप शेयर करिए, नो डाउट, बस उस पर हम वर्क जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। जैसे आइडेंटिटीज के बारे में या चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अभी और भी क्लियर करना हमें है, देखिए कुछ डाउट्स हैं वो भी आपके सही होंगे। और हम लोग एक्सरसाइज 2.1, 2, 3, 4 कम्प्लीट कर चुके हैं, आज हम कोशिश करते हैं 2.5 भी कम्प्लीट कर लें। देखिए सबसे पहले 2.5 में हमने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, आइडेंटिटी बहुत सारी बताई हैं, आज जो अप्लीकेबल होगी वो आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 शुरू कर रहे हैं। 13 में क्या है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। हम इसी आइडेंटिटी को लिखते हैं एक्स के फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिएगा इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में गिवन है 13 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो गिवन है, तो देखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट रो में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ हो गया। अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसका मतलब अगर तीनों नंबर का सम जीरो आ रहा है तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां भी देखते हैं। देखिएगा 14 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये a है, a इक्वल टू माइनस 12, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 5। और देखा जाए a प्लस बी प्लस सी माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ए क्यूब
माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए। ए का मतलब माइनस 12, बी 7, सी 5। 12 थ्री जा माइनस 36, 7 फाइव जा 35। इसके बाद आंसर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सेम ही करेंगे। सेकेंड पार्ट में ए इक्वल टू 28, ए इक्वल टू 28, बी इक्वल टू माइनस 15, सी इक्वल टू माइनस 30। ए क्यूब का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब इक्वल टू 3 ए। 28 बी माइनस 15 सी माइनस 13। अब इसका इंटू करेंगे 84 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 195। अब इन दोनों का इंटू करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट हो गया। आज जो भी दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं स्क्रीन पर 11, 12, 13, 14 सभी क्वेश्चंस सेम आइडेंटिटीज पर हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पर। 12 में आपको वेरीफाई करना है तो हम RHS लेके चलते हैं। RHS हमारे पास है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। नेक्स्ट स्टेप हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। समझ में आ गया? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये 2 कैंसिल, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अभी मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी, ये किसकी होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्वेश्चन आपका 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम 11 देखते हैं। यह आइडेंटिटी वही लगेगी आपको। इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी। देखिए ये आइडेंटिटी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b प्लस c।
दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। स्टूडेंट देखिए, हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के पहुंच चुके हैं लगभग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। 16 क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम गिवेन है, आपको उसके डायमेंशन के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं। वी नो दैट वैल्यूम वैल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच ऑफ द क्यूबॉइड। जैसे यानी कि इसका तीन फैक्टर तीन ब्रैकेट्स में हम इसको क्या करें बना दें। जैसे वॉल्यूम, हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वॉल्यूम 12k स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है 4k, यहां क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, 4k 3 5 15। आप मिलीटर स्प्लिटिंग करिएगा 3 5 15, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा, 3y स्क्वायर प्लस यहां पे क्या करेंगे 5 माइनस 3y माइनस 5, 4k 3y स्क्वायर 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k कॉमन यहां पे क्या है y, यहां जाएगा 3y प्लस 5 माइनस 1 3y प्लस 5। देखिएगा 4k एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में y माइनस 1 और 3y प्लस 5। एक पॉसिबल एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ये l हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया, या ये एल हो सकता है, ये बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन होंगे। देखिए एल इंटू बी इंटू एच आपको तीन फॉर्म में मिल गए, ये आपका सेकेंड पार्ट था। इसी तरीके हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट। देखिएगा फर्स्ट पार्ट बहुत ही बहुत आसान सा पार्ट है, बहुत टफ नहीं है एक्सरसाइज। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x कॉमन, यहां क्या बचेगा x माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4, एल इंटू बी इंटू एच। ये एक्सप्रेशन आपका हो सकता है 3 इंटू एक्स माइनस 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 था, इसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आज की वीडियो वो छोटी होगी, लेकिन आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर का रिवीजन करेंगे, नहीं पहले चैप्टर थर्ड पढ़ाएंगे क्योंकि वन डे टॉपिक है वो, उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 और 3 का रिवीजन एक साथ करेंगे। देखिए 15 के फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया की बात कर, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इन लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे एरिया दे रखा है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। आपको करना क्या है,
इसको ऐसा फैक्टराइज करिए, मल्टीप्लाई करने पे 25 इंटू 12 300 है और ऐड करने क्या है 35, तो 15 इंटू 20, तो इसको लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर माइनस, यहां क्या लिखेंगे 20 प्लस 15 ए प्लस 12, 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12, 5 ए कॉमन लूंगा यहां आ जाएगा 5 ए माइनस 4, यहां 3 कॉमन लेंगे 5 ए माइनस 4, पूरे में 5 ए माइनस 4 5 ए माइनस 3, ये आपका लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऐड करके 35 लाना था और नीचे वाले क्वेश्चन में 35, देखिएगा फिर से इसको मैं समझा दे रहा हूं। पहले देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है यानी कि फैक्टराइज करना है। 25 इंटू 12 300 को ऐसा करें मल्टीप्लाई कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो डिजिट्स आए वो 300 है और ऐड करने क्या है 35, 15 इंटू 20 प्लस 5 15 लिखा, इसके बाद इसको फैक्टराइज कर दिया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट में भी सेम ही करना है, नो डिफरेंट थिंग्स। सेकेंड पार्ट में 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12 इंटू 35 420। अब इसको ऐसा करिए फैक्टराइज करने पर, फैक्टराइज करने 420 आए और सब्ट्रैक्ट करने क्या है 13 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आए, तो 420 को फैक्टराइज करिए पहले 2 से 210, 2 से 105, 3 से 33 जा 35 जा 5 7 जा 7 1 जा, सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना है 13 लाना है। देखिए 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 इंटू 15 तो 28 35 वाई स्क्वायर, यहां भी क्या लिखेंगे 28 माइनस 15 वाई माइनस 12, दिस इज 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12, 7 वाई कॉमन 5 वाई प्लस 4 माइनस 3 कॉमन 5 वाई प्लस 4, 5 वाई प्लस 4 एंड 7 वाई माइनस 3, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपका 15 का सेकेंड पार्ट हो गया। स्टूडेंट्स इसी के साथ ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट हो गई, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।